जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है उसके कुछ अति लघु टाइप क्वेश्चंस के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताएं। तो रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि रचना की दृष्टि से भी आ जाते हैं और भी कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है र और च और ना और आ की मात्रा, इसको ना माने कुछ भी, र और च और ना, यानी तीन शब्दों से लिखा गया है ना, तो इसमें तीन हो जाता है, यानी तीन भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाता है, मौन वाचन की दो विशेषताएं बताएं। तो मौन वाचन का मतलब क्या होता है? मौन वाचन का मतलब ये होता है कि मन ही मन में पढ़ना, और आप वो पढ़ाई कब कर सकते हैं? जब आप में कोई त्रुटि नहीं होती है और आप एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। कहने का मतलब यही तो है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप मौन होकर यानी चुपचाप होकर खामोशी से आप पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें बेनिफिट होता क्या है? सबसे पहले तो आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे तक आवाज़ नहीं जा रही है, यानी वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है, जैसे आपके जो वर्ड हैं आप तेज़ तेज़ पढ़ेंगे तो कम मात्रा में पढ़ पाएंगे, और जब मौन होकर पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा मात्रा में पढ़ पाएंगे, यानी ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे। ये तो इसकी विशेषता हो जाती है, और यहाँ पे विशेषता ही पूछा जा रहा है। तो यानी मौन वाचन की दो विशेषताएं ये हैं, मौन वाचन से समय की बचत होती है। वही चीज़ की भाई, ज़्यादा चीज़ों को आपने पढ़ लिया और तेज़ तेज़ पढ़ा तो कम चीज़ों को पढ़ लिया, किसी दूसरे को पढ़ने में असुविधा नहीं होती है, यानी भाई आप पढ़ रहे हैं तो दूसरों तक आवाज़ नहीं जा रही है, यानी वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। और इसमें हानियाँ भी ये होती है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है और आप कोई लफ्ज़ हैं, यानी मान के चलिए कोई भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि वो आप गलत पढ़ रहे हैं। तो जब आप तेज़ तेज़ नहीं पढ़ेंगे तो कैसे दूसरे को पता चलेगा कि ये सही पढ़ रहा है बंदा या गलत पढ़ रहा है? तो वो गलत ही पढ़ता चला जाता है। और अगर तेज़ तेज़ पढ़ा जाए, ज़ोर से पढ़ा जाए, तो उसमें क्या होता है, जो भी त्रुटि होती है तो उसको ख़त्म किया जाता है, उसको बताया जाता है भाई आपने ऐसे पढ़ा है, इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से ये पढ़िए ये चीज़ गलत है, या गलती नहीं भी बताई जाती, क्योंकि गलती बताई नहीं जाती, उसमें सुधार कराया जाता है। तो उसमें सुधार कराया जाए तो ये तो इसकी क्या हो जाती है कि भाई इसमें कमियां हैं, और जो हमने विशेषताएं आपको बताई इस तरह से, मतलब दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विशेषताएं भी पूछी जाती हैं और कमियां भी पूछी जाती हैं कि इससे क्या हानियां हैं। और लोकोक्ति की दो विशेषताएँ बताएँ। लोकोक्ति की दो विशेषताएँ हास्य व्यंग से युक्त होती हैं और प्राचीन परम्परा से जुड़ी होती हैं। उसके बाद है, हरिओत जी का पूरा नाम क्या है? तो हरिओत जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हो जाता है, यानी हरिओत के नाम से पुकारे जाते हैं, नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो इसमें उन्नति का अवनति और कृपण का दाता हो जाता है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का श्रवण हो जाता है और किसान का कृषक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। और आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो आकाश से तारे तोड़ लेना यानी असंभव कार्य करना, और वाक्य प्रयोग क्या है कि भारत की क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा है। आप अपने लफ्ज़ों में कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने यही वाक्य प्रयोग पढ़ा है यही वाक्य प्रयोग आपको लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना आप अपने माइंड से वर्क करना सीखेंगे उतना ही अच्छा होता है। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि माना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। उछा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखे तो उछा का उत्साह हो जाता है और चितेरा का चित्रकार हो जाता है। उदित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय उदित कहलाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन, कुलीन महिमा कौंतेय में कौन कौन सा प्रत्यय लिखे, तो कुलीन में ईन क्या, देखिए प्रत्यय पहले आप समझिए कि प्रत्यय होता क्या है, कई बार इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन जितनी बार ज़्यादा बार डिस्कस करेंगे उतना ही बेहतर रहता है। तो प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पा से लिखा गया है, तो प्रत्यय पा यानी पीछे है ना, तो पीछे लगते हैं, और उपसर्ग, उपसर्ग यानी इसको आ माना था तो आगे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्यय यानी पीछे, तो कुलीन यानी ईन हो जाता है ना, पीछे देखिए ईन लगा हुआ है, महिमा, महिमा में इमा, और कौंतीय तीय तो ए प्रत्यय लगा हुआ है। कोकिल एवं कूप शब्द का तत्भव लिखिए, तो कोकिल का तत्भव शब्द कोयल एवं कूप का तत्भव शब्द कुआं हो जाता है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, आहा जैसे कोई बात आपने खुशी की सुन ली या आपने कोई बात गम की सुन ली तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई बात है भाई बहुत मेहनत इन्होंने, अरे वाह ये तो पास हो गया, इन्होंने इतनी मेहनत करी थी उसके बाद इनको सफलता मिल गई, बहुत ही खुशी की बात है, तो इसमें आप क्या विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बड़ी दुख की बात है, ऐसे नहीं, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज करेंगे। तो यहाँ पे यह है आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरह से हो जाता है, एक इस तरह से लाइन और नीचे एक बिंदु, तो ये चिन्ह क्या कहलाता है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। तो इसका जो परिभाषा हो जाती यही हो जाती कि कोई शोक यानी शोक की बात, कोई उत्साह, कोई हर्ष, कोई भी बात आपने सुनी तो उसके बाद आपको इस चिन्ह का यूज़ करना रहेगा। उसके बाद है लोक यानी यहाँ पे आपका हो जाता है आह कितना सुंदर दृश्य, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाता है। लोकोक्ति किसे कहते हैं, तो कहावत या लोकोक्ति के पीछे कोई लोक कथा या घटना होती है जिसमें निकली बात लोगों को जुबान पर इतनी निकली चल निकलती है कि वो लोकोक्ति बन जाती है। यानी क्या होता है कि जैसे कोई शब्द बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कोई चीज़ बोल दी गई तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अपना एक रूप ले लेती है और बहुत ज़्यादा वो प्रचलित में हो जाती है, वही लोकोक्ति हो जाती है और हर एक की जुबान पर वही लाइन होती है ना। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग यानी ऊ मतलब ऊ को आपने क्या माना था, ऊ को आपने आ माना था और आ से आगे हो जाता है, तो यानी आगे। वो उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देता है या उसे बदल देता है, यथा हार में प्रत्यय क्या है, उपसर्ग लगा देने से परहार। अब उपसर्ग यानी आगे, तो पर लगा देंगे हार में तो परहार हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाता है, और भी इस तरह से बहुत सारे बन जाते हैं शब्द। फिर है अर्ध उपसर्ग लगाकर पांच शब्द बनाएं, तो अर्ध उपसर्ग लगाकर पांच शब्द, अध पका, अध कचरा, अध मरा, अध खिला, अध जला, तो इसमें क्या करें, उपसर्ग यानी आगे लगाना है अध। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई शब्द दे दिया जाता है कि उसको उपसर्ग में लगाएं या उसको प्रत्यय में लगाएं, तो आपको पता है उपसर्ग आगे होता है प्रत्यय पीछे होता है, तो जो जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया कि अध लगाकर क्या बनाए, तो उपसर्ग, तो आगे आप अध लगा दें फिर उसमें आप कुछ और जोड़ दें, तो अध में पका जोड़ दिया तो वो अध पका हो गया, अध में कचरा जोड़ दिया तो अध कचरा हो गया, अध में मरा जोड़ दिया तो अध मरा हो गया, और अध में खिला जोड़ दिया तो अध खिला हो गया, और अध में जला जोड़ दिया तो अध जला हो गया। ये क्या हो गए, ये पाँच शब्द हो गए किसके, तो उपसर्ग के हो गए। हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग
किन शब्दों से जुड़ते हैं? तो हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग तद्भव देशज यानी शब्दों से जुड़ते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अधिष्ठाता तथा निरोग में कौन सा उपसर्ग है? वही देखिए, उपसर्ग यानी आगे, तो अधिष्ठाता में अधि है ना, और निरोग में निर, निर उपसर्ग है। अल किस भाषा का उपसर्ग है? तो अल उर्दू का ना होकर ये अरबी भाषा का उपसर्ग है। किसका है? अल किस भाषा का उपसर्ग है? तो अल अरबी भाषा का उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है, शब्द से पहले की बात हो रही है तो उपसर्गी तो कहेंगे ना। और प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में समास के 6 भेद हो जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, सभी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। उसके बाद हो जाता है, हिंदी में समास हो गए, चतुर्भुज और लंबोत्तर में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज और लंबोत्तर में बहुव्रीहि समास है। और शरणागत, अकाल, पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाता है। पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो दोनों में द्विगु समास हो जाता है। पंचवटी यानी पहले क्या है, गिनती है, यानी कि 5 यानी पंचवटी, त्रिवेणी यानी 3 वेणी है ना, त्रिवेणी, तो इसमें तो द्विगु होगा ना। और परमानंद और सर्वोत्तम में कौन सा समास है? तो दोनों में कर्मधार समास है। भाई बहन तथा रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करेंगे तो भाई और बहन हो जाएगा, रुपया और पैसा हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास। महापुरुष तथा मृगनयनी में कौन सा समास है? तो दोनों में कर्मधार समास हो जाता है। विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग अल्प विराम चिन्ह का होता है। क्या कह रहे हैं? विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो अल्प विराम, देखिए आप दो शब्द बोलेंगे उसके बीच में भी आपको लगाना रहता है ना, और ये चिन्ह किस तरह से हो जाता है? तो इस तरह से होता है, तो जैसे आपने दो सब्जियों का नाम लिया, दो लोगों का नाम लिया, या दो शहरों का नाम एक साथ में लिया, तो ऐसा लगता है आप ठहरे नहीं हैं। जैसे आपने कहा दिल्ली मुंबई, तो ऐसा लगा कि आप नहीं ठहरे, लेकिन दिल्ली कहने के बाद थोड़ी सी सांस ली, मुंबई कहा, तो यानी क्या है, इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो ये जो चिन्ह हो जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और विराम चिन्हों में उपयोग से क्या समझते हैं? तो विराम चिन्हों का उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, जब आप विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो इससे वरना अर्थ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वही चीज़ की रुकिए मत जाने दीजिए, या रुकिए मत जाने दीजिए, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ये उदाहरण, क्योंकि इसमें देखिए अगर आप चिन्ह का यूज़ अपनी इसकी जगह पे करेंगे तो एक में तो ये भाव प्रकट होता है कि इनको रोक लीजिए, ना जाने दीजिए, और एक में ये प्रकट होता है कि ना रोकिए और इनको जाने दीजिए, तो बड़ा फ़र्क हो जाता है ना। तो विराम चिन्हों से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए विराम चिन्हों का हमें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है? तो विराम चिन्हों के उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए नहीं होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्रोध भाव के लिए नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें जैसे हर्ष, शोक, भाई आपने बहुत खुशी की बात सुनी, अरे वाह आपने इतनी मेहनत की थी, आपको इतनी जल्दी सफलता मिल गई, बहुत खुशी हुई, इसमें आप लगा सकते हैं, और लगा सकते नहीं, लगता है। और अरे भाई बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन आप क्रोध में नहीं इसको लगा सकते हैं, है ना। पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल कुसुम हो जाता है, और बिजली का पर्यायवाची शब्द विद्युत और दामिनी हो जाता है। और फिर है जीवन निर्वाह तथा वीड़ावादिनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह का जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास हो जाता है, और वीड़ावादिनी तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना,
वाक्य प्रयोग छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या हमने भाई थोड़ी सी बात किया कही तो आप तो आग बबूला हो गए, या इस तरह से आपको आग बबूला नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा ही क्या है। मतलब आप अपने लफ्जों में कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद हो जाता है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए, तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवरी बाहु छाय। तो यानी इसमें क्या चीज झलक रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। देखिए तरनी तो ता, तनुजा तो ता, तट तो ता, तमाल तो ता, तरुवरी तो ता, है ना। तो यानी सब जगह पे ताता का यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यानी एक ही शब्द का, यानी एक ही अक्षर बार बार आए, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो उप यानी वही चीज है, फिर से रिपीट कर देते हैं, उपसर्ग यानी आगे। तो इसमें उप और प्रति में दो दो शब्द कुछ जोड़िए जिससे कोई शब्द बने। तो उप में कार लगा दीजिए तो उपकार हो गया, उप में भेद लगा दीजिए तो उपभेद हो गया। दो दो पूछ रहे हैं ना, तो दो दो आपको करने हैं। फिर उसके प्रति, तो प्रतिपक्ष, प्रति एक, प्रतिकार, है ना। आप इस तरह से जो आपको समझ में आ रहे हो आप वो करिए अपने तरीके से, और ऐसा भी नहीं है कि मस्ट है कि अपने ही तरीके से करना है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, हालांकि आता आपको सब कुछ है, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है आप लोगों को, लेकिन आप अपने लफ्ज़ों में भी अपने तरीके से भी बना सकते हैं, और जो सीरीज़ में है उस वो वही आप लिख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंद यानी सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाते हैं। और कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है, तो कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में मुंशी प्रेमचंद हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है, और इन ये कौन थे, तो ये अमिताभ बच्चन जो फिल्म स्टार उनके पिताजी थे, है ना। तो आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे इनके नाम से, और इनकी हालांकि और इनके क्या हो जाता है, इनकी ये आत्मकथाएं और कुछ कहानियां भी हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और सनवाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें से पूछे जाते हैं। राम ने रावण को मारा, वाक्य को क्रमवाची में परिवर्तित कीजिए। तो रावण को राम ने मारा क्या है, देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है, इसको समझ लीजिए, राम ने रावण को मारा और रावण को आप इसी तरह से तो क्रमवाची में परिवर्तित कर सकते हैं कि रावण को राम ने मारा, बात तो एक ही है ना। उसके बाद है औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो औंधी खोपड़ी का हो जाता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। सुलेख किसे कहते हैं, सुलेख यानी सुंदर लेख, है ना, तो उसी को तो सुलेख कहते हैं। भाई जब किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो क्या कहते हैं कि आप एक पेज रोज लिखें, और जब आप एक पेज रोज लिखेंगे तो आपकी हैबिट बनेगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे और सुंदर लेख लिख पाएंगे, तो इसीलिए तो सुलेख दिया जाता है। तो इसीलिए सुलेख का अर्थ हो जाता है सुंदर लेख, जो सबके उपयोग के लिए हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्वजनिक, है ना, पढ़ाया भी है आप लोगों को कि एक वाक्यांश में लिखना किस तरह से, तो जो क्या कह रहे हैं कि जो सबके उपयोग के लिए है तो भाई वो सार्वजनिक है, है ना। और जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में नहीं विश्वास करता है उनको क्या कहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। नील कमल की प्रमुख प्रभा सरस धुआं से बांध पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार, तो क्या है यहाँ पे, नील कमल सी मुख प्रभा और सरस सुधा में बांध, यानी उस नील कमल सी मुख प्रभा। अब नील कमल सी मुख प्रभा बताई जा रही है, तो जब किसी चीज़ में कोई प्रसिद्ध चीज़ में कोई किसी का उदाहरण दिया जाता है किसी के बारे में, उससे उसकी उपमा की जाती है, तो उसमें कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे आप समझ लें। उसके बाद आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का अर्थ है, तो असंभव कार्य संभव होना। जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगते हैं, हालांकि कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो हर चीज़ आपको मिलेगी,
और इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यह थोड़ा कठिन होता है, कुछ रास्ते थोड़े सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, तो और कठिनता से जो चीज़ मिलती है तो वही ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि कितनी मेहनत से हमें ये चीज़ मिली है। और दूसरी बात ये भी होती है, जो हम सच्चाई से मेहनत से जो प्राप्त करते हैं उसका क्या कहना। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि आकाश का चांद हाथ आना, यानी असंभव कार्य संभव होना। वीणावादिनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास में कौन सा नाम है, तो चतुर्दिक शब्द में दिगु समास तथा यथाविधि में अविभाव समास है। बारह बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो बंटवारा होना, बारह बाट होना यानी बंटवारा होना। और प्रयोग आप कर सकते हैं कि भाई दो भाइयों में बारह बाट हो गया, या किसी का नाम लिख लें जैसे राकेश अपने भाइयों से बारह बाट हो गया, यानी अलग हो गया, है ना, बंटवारा हो गया। ऐसे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, महेश, राम, सुरेश, कुछ भी लिख सकते हैं, और अपने तरीके से आप वर्क कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो मुहावरे वगैरह होते हैं, यानी इनको आप अपने शब्दों में अच्छे से कर पाते हैं और कर ही लेते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है ता था दा धा का उच्चारण स्थान बताएं, तो ता था दा धा का उच्चारण स्थान दंत होता है। जब आप बोलेंगे तो ता बोले तो देखिए आपकी जो जबान है वो क्या होती है, दांतों से टकराती है, और जब दांतों से टकराती है तो वो क्या हो जाता है, वो दंत हो जाता है। और दंत देखिए ता बोले आप, तो ता आपका दांतों से आपकी जीभ टकरा रही है ना, ता था दा धा, तो ये दंत हो जाते हैं। उसी तरह से आप पा बोले, पा क्या होता है, देखिए निचली होंठ ऊपरी होंठ से मिल रही है, पा फा बा भा, तो ये क्या हो जाती है, ये ओष्ठ हो जाते हैं। अब कंठ, कंठ ये जो गर्दन का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जब आप बोलते हैं का तो यहाँ से आवाज निकलती कंठ से, है ना, तो का खा गा घा, ये कंठ हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे आप बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, तो आप जब बोलेंगे शा, आप शा बोले हैं तो क्या लग रहा है, ऐसा आप हाथ मुंह की तरफ ऐसे रखिए, तो शा, तो गर्म वायु आपकी हथेली को टच कर गई, तो यानी क्या है, ये ऊष्म हो जाते हैं। पिछड़ी शा हो या शरीफे वाला शा हो या छोटा शा हो या हा हो, हा आपने बोला, देखिए गर्म वायु निकली ना, और एक देखिए शा बोला तो एक सीटी टाइप की निकली, तो ये यानी ये क्या हो जाते हैं, तो ये ऊष्म हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि ये चार होते हैं प्लस संयुक्ताक्षर चार होते हैं और अंतस्थ आपके चार हो जाते हैं, तो इस तरह से चार और चार आठ और चार बारह ये इधर निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है आग और हाथी का तत्सम रूप, तो आग का तत्सम रूप अग्नि तथा हाथी का तत्सम रूप गज है। उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं, तो उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं, यानी आपके ऊपर किसी ने उपकार किया तो आपने उस पर भी किया, है ना, तो उपकार के बदले में किए जाने वाले उपकार को तो उसको प्रत्युपकार कहते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम करता है फिर आप उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, फिर कोई काम लगे फिर उसको उससे वर्क करा लो फिर उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है तो उसको ज़रूरी है, कभी वो हेल्प से आपने उससे बात की है तो कभी बिना हेल्प, मतलब आपकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आप उससे ज़रूर बात रखिए, क्यों, क्योंकि जो आपका वर्क कर देते हैं, आप की हेल्प करते हैं, तो ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं, तो उनको क्या अपने संपर्क में रखिए कि कब ज़रूरत पड़ जाए उनकी, तो ऐसा ना करिए कि हाँ एक बार काम पड़ गया आप दोबारा नहीं, और फिर दोबारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, और उसके बाद क्या है, या जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लिया जाएगा, देख कैसे लिया जाएगा भाई, उसने आप पे उपकार किया तो आप भी उस पे उपकार कीजिए, और कभी नहीं भी ज़रूरत है तो तब भी आप संपर्क करें, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं, तो प्रत्युपकार कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है भाई, आप उनकी किसी ने हेल्प की तो आप भी उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, और अगर उसकी उसको नीड नहीं है हेल्प की तो आप दूसरे की हेल्प करें, क्यों, क्योंकि कहते नहीं कि आपने कभी किसी की हेल्प करी होगी तो आप आपकी हेल्प किसी ने करी होगी, तो एक चीज़ होती है, ये एक सर्किल बना होता है, तो आप करिए ज़रूर। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है आपका। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा,
और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।